दोस्तों दीपिका पादुकोण एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसके मूवी से ज्यादा वैरायटी उसके बॉयफ्रेंड्स में है। बिजनेसमैन, एक्टर, क्रिकेटर, वो तो अच्छा है कि यार सुकेश के साथ नहीं सटी। बहिया में कसी के सैया दीपिका पादुकोण, जिसे उसका पति लक्ष्मी समझता रह गया। मेरे घर की लक्ष्मी, मेरे घर की लक्ष्मी। और ये कामदेव की सौतेली बीवी निकली। तो अब तक तो यार तुम्हें पता चली गया होगा कि कलेश विद करण में दीपिका ने क्या कलेश किया है। In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. एक साल पहले इसके पति ने नंगी बॉडी दिखाई थी और अभी ये अपना नंगा दिमाग दिखा रही है। मैं तुमसे कमिटेड तो थी, लेकिन मैं तुमसे बेटर भी ढूंढ रही थी बहन। ये बातें बताई नहीं जाती। छुपाने वाली बात पति के सामने पूरी दुनिया को बता रही है, बिना ये सोचे कि यार उसको कैसा लगेगा। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? शो में कॉफी का तो पता नहीं, लेकिन घर जाने के बाद रणवीर ने पानी भी नहीं पिया होगा। अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए। दीपिका बिना ये वाला गाना परफेक्ट बैठ रहा है। साले कुत्तों की जिंदगी। वो तो अच्छा है कि यार धोनी ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि धोनी भाई का जजमेंट कभी रॉन्ग हो सकता है क्या? ये बोले जो कोयल बागों में। ये वो तो रणवीर का दिल बढ़ा के अपने वाइफ के एक्स के साथ भी करण अर्जुन जैसा बिहेव कर रहा। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ये पिक देखकर कोई कहेगा कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड इसकी वाइफ है? नो नो नो। वैसे दीपिका के स्टेटमेंट से मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यार जिसने पूरे स्टेडियम के सामने अपने बॉयफ्रेंड के बाप के सामने उसकी चुम्मी ले ली, उसके लिए यार ये सब तो नॉर्मल बात है। शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? नहीं। Your first kiss? No. ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा, अगर फर्स्ट किस रणबीर के साथ किया तो सिद्धार्थ के साथ क्या प्रैक्टिस कर रही थी? जस्ट इमेजिन कि अगर रणबीर और सिद्धार्थ इसका इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। दीपिका के लाइफ का ना सिंपल सा फंडा है, पहले इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करें फिर चेंज करो। मारे लो कच्चा कोट कोट कोट। लाइफ में लवर तो ऐसे चेंज करती है जैसे हर पार्टी में गर्ल्स के कपड़े। हे करे भाई, हे करे। और जुबान तो यार गिरगिट जैसे बदलती है। आई डोंट नो हाउ टू जस्ट कैजुअली डेट, आई डोंट नो हाउ टू बी इन दिस इन बिटवीन सॉर्ट ऑफ डेटिंग बट नॉट कमिटिंग। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आई डिड मीट अदर पीपल बट इन माई माइंड आई वॉज कमिटेड टू हिम डेटिंग बट नॉट कमिटिंग। कुछ भी, इसके जुबान की वैलिडिटी ना उर्फी के कपड़े से भी कम है। मुझे क्यों तोड़ा? सेम तो मैं पहले कुछ और डेटिंग बट नॉट कमिटिंग, और उसके बाद बिल्कुल उसका अपोजिट नॉट बी अटैच्ड एंड नॉट बी कमिटेड। ये सब दुगलापन है। अगर झूठ बोलने का कोई चेहरा होता तो पक्का ऐसा होता। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि बदलाव जिंदगी का नियम है, इस लड़की ने उस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। पहले सिटीजन से बदला, फिर अपने चेहरे को ऐसे से ऐसे बदला। ओह माय गॉड, क्या माल है यार। सीजन के हिसाब से बॉयफ्रेंड तो बदलती ही है, और अभी टाइम टाइम पे स्टेटमेंट बदल रही है, और कुछ स्टेटमेंट तो यार ऐसे कि दिल को दहला दे। माई चॉइस टू मैरी और नॉट टू मैरी। अरे बहन, तेरे को ना करना मत कर, जिससे करना है उससे कर। रणवीर से कर या फिर रणबीर से, SRK से कर या फिर KRK से। To have sex before marriage. To have sex before marriage. Okay, it's her choice. 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 To have sex outside of marriage. क्या क्या क्या? To have sex outside of marriage. बहन तू जो कह रही या फिर कहना चाह रही है, इस प्रक्रिया को हमारे समाज में एक अलग नाम दिया गया है, जिसे मैं कहूंगा नहीं। वैसे इस बार इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, इस बार का वर्ल्ड कप यार पक्का हमारा है। और मैं तो यार इतना एक्साइटेड हूँ यार कि मैं सिर्फ मैच देख नहीं रहा, मैं तो मैच खेल भी रहा हूँ। कैसे? गेम डे स्क्वाड से। ये एक स्पेशल तरह की फैंटेसी ऐप है जहाँ तुम अपने फेवरेट प्लेयर्स को चुन के अपनी खुद की टीम बना सकते हो। आई नो तुम्हें से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार साला पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन यही तो कयामत है। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल फ्री, मतलब पैसा एक रुपया भी नहीं लगाना, लेकिन फिर भी 50,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो। और यार कितने सारे लोगों ने किया भी है, मतलब गेम डे स्क्वाड के साथ क्रिकेट वहाँ भी
और क्रिकेट यहाँ भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और तुम्हें प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। जाके रजिस्टर करो और अपने दोस्तों, दुश्मनों और रिश्तेदारों सबको बताओ कि यार मार्केट में एक नया बवाल ऐप आया है। चलो चलो चलो, इनके लिए फेमिनिज्म का लेवल इतना बढ़ चुका है कि चीटिंग इन रिलेशनशिप इसके लिए चॉइस है। गवर्नमेंट ने इक्वालिटी के लिए रूल बनाया था कि सबके लिए अच्छाई हो, लेकिन ये तो बुराई की तरफ ले जा रही है कि अगर लड़के सिगरेट पीते हैं तो मैं भी पीऊंगी, भले ही लड़का छोड़ना चाह रहा हो। एक तरफ ये फेमिनिज्म के झंडे गाड़ रही है और दूसरे तरफ कलरिज्म करके प्लास्टिक सर्जरी कर रही है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। बंदी के बॉयफ्रेंड की लिस्ट मेरे घर के राशन लिस्ट से भी लंबी है। रणवीर, रणबीर, युवराज, धोनी, बाकी मेरे को लगता है यार कि सिद्धार्थ तो गलती से मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इसके बॉयफ्रेंड की लिस्ट देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि एक्टिंग के साथ साथ ये सेटिंग में भी डबल डिग्री होल्डर है। जनरली कुछ लोग डबल डेटिंग करते हैं, लेकिन ये तो फेमिनिज्म के नाम पे मल्टी डेटिंग कर रही थी। शो में रणवीर के एक्सप्रेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि भाई वो डिप्रेशन में है। अब भी तो तुमने बोला है वो सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है। तुमको अब याद नहीं आ रहा। पति आंसू पोंछता रह गया और पत्नी ने पति के सारे अरमान पोंछ डाले। इस इंटरव्यू के बाद रणवीर के दिल के उतने ही टुकड़े हुए होंगे जितना दीपिका के एक्स थे। आप तो रणवीर को दीपिका के प्यार से ज्यादा पसंद कमला पसंद होगा। अनोखा स्वाद। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की कि यार पूरे मामले में कोई भी करण जौहर को ट्रोल नहीं कर रहा, वो तो यार मतलब एकदम मस्त नाच रहा होगा फर्स्ट एपिसोड के वायरल होने के बाद। आग जैसी लगाई मजा गया। करण जौहर साला मतलब ना खुद का घर बसा और ना दूसरों का सही से बसने दे रहा। एक तो करण की जुबान जहरीली और उससे भी विषैला इसका शो। इसके शो में जाने के बाद सिंगल लड़कों पे इज्जत का खतरा होता है और मिंगल पे ब्रेकअप और डाइवोर्स का। दीपिका के बिहेवियर से ज्यादा डाउट तो मुझे करण के कॉफी में है। नहीं पता साला क्या मिलाता है कि सबका रिलेशनशिप ही कटक जाता है। शो देखने के बाद सलमान भी करण जौहर को कहता होगा कि यार अगले एपिसोड में या तो अभिषेक और ऐश्वर्या को बुलाना या फिर विक्की और कटरीना को। oh, no. इसके शो में जाना मतलब खड़ी लकड़ी लेना। मारे लो कच्चा कोच कोच कोच। वैसे बंदी सिर्फ फेक फेमिनिस्ट वाली नहीं, फेक फॉलोअर्स वाली भी है। बिजनेस टुडे के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके 48% इंस्टाग्राम फॉलोअर्स फेक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मतलब चीटिंग करने का शौक तो बंदी को बचपन से है और चीटिंग भी इस लेवल वाली कि फॉरेनर्स के कपड़े चुरा लेती है। लाइक हाउ, लाइक दिस। दीपिका ने हॉलीवुड में नाम कमाने के साथ साथ वहाँ के कपड़े भी चुराए हैं। गली के जो चोर होते हैं ना, वो भी इतने सातिर और सराफत से चोरी नहीं करते जितने ये बॉलीवुड स्टार्स। सबके सब चोर हैं साले। वैसे यार दीपिका है बड़ी पॉपुलर, बच्चे से लेकर बूढ़े हर कोई इसे जानता है शायद। कल दीपिका पादुकोण गई थी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने के लिए। दीपिका पादुकोण कौन है? अभिनेत्री है। तो सिनेमा वालों के लिए क्या चिंता कर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खाता मजबूर हूँ मैं। अंकल ने एक सेकंड में पादुकोण का पादु और कोन दोनों अलग कर दिया। जनरली लड़की अपने बॉयफ्रेंड को उंगली में नचाती है, लेकिन यार इसके तो इतने सारे बॉयफ्रेंड है तो पक्का बैग में घुसाती होगी। पीपल, इफ आई कुड कैरी 3 पीपल, माय हस्बैंड, माय सिस्टर एंड, अरे मैं बताता हूँ, तीसरा होगा ड्रग डीलर। Anyways, that is it for today. वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो का बेस्ट पार्ट तुम्हें क्या लगा वो कमेंट करो बताओ। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे इतने सारे रील्स डाल रहा हूँ, जाके वहाँ पर फॉलो करो। बाकी इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहाँ पर भी रेगुलर कंटेंट आ रहा है। गेम डे स्क्वाड में जाकर गेम खेलो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ यार आपसे अगले वीडियो के साथ। अब तक गाइस चलो बाय।